मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहीं पर शिव के खिलाफ उमा भारती अब मोर्चा खोल रही हैं। उन्होंने जो जहरीली शराब को लेकर मुरैना में घटना घटी थी, 24 लोगों की मौत हुई थी, उस समय पर ट्वीट कर जानकारी दी थी कि भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी की जाए। वहीं पर उन्होंने कहा था कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार बनी है, इसमें महिलाओं ने जो है शराब के विरुद्ध भारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और वहीं पर उमा भारती 8 मार्च महिला दिवस से मोर्चा खोलने वाली हैं। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय पर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यह सब बातें, शराब खराब है समाज में, इसको लेकर उमा भारती का अभियान अब देखना है कितना सफल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ऐलान कर चुकी हैं